तीन गलती अधिकांश विश्वासी लोग जो बड़े विश्वासी या पुराने विश्वासी है करते हैं और अधिकांश सेवक लोग तीन गलती करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। मरकुस 9 अध्याय उसका 33 से 37 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मरकुस 9 अध्याय उसका 33 से 37 यहां ऐसा लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर बारहों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे पूछा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहां हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह और उनके चेले कफरनहूम को जा रहे हैं और यीशु और उनके चेले लगभग 1.5 से 2 साल यीशु के साथ रह चुके हैं और यीशु को जान रहे हैं। ठीक है, इतना समय बिताए हैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के साथ। जरा इमेजिन कीजिए कि यीशु मसीह आगे आगे जा रहा है और पीछे वो लोग आपस में बोल रहे हैं, नहीं मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं यीशु के साथ ज्यादा समय बिता रहा हूं। नहीं, यीशु ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। फिर झगड़ा हो रहा होगा कि नहीं, मैं तो पानी में चला हूं, मैं बड़ा हूं। हो सकता है कि इस तरीके से कुछ बातें वहां पर चल रहा होगा और यीशु आगे आगे चल रहा है। यीशु को पता है, सब बातें पता है, लेकिन वहां पर रास्ते में कोई बातचीत को नहीं किया। लेकिन जब कफरनहूम पहुंच गया तो पहुंचने के बाद वहां पर अब यीशु मसीह उन बारह को बुलाया और एक जगह में बैठे हैं और अब बातचीत हो रहा है। हम लोग भी जो मसीही है या प्रभु का सेवा कर रहे हैं, कई बार ऐसा सवाल आपस में करते हैं, कौन बड़ा है, ये सेवक बड़ा है या ये सेवक छोटा है, कौन बड़ा सेवक है, ऐसा हम लोग तुलना करने लगते हैं। जैसे मैं अपना बात बता रहा हूं, 2008 का बात है, मैं रांची गया था। क्या हुआ, वहां पर दो बहनें थी, उनके साथ बातचीत हो रहा करूंगा और उनमें से एक बहन ने पूछा कि भाई जान आपको क्या क्या वरदान मिला है, आप कितने अनुभवी हैं थोड़ा बताइए। तो उसका सवाल और उसका पूछने का टोन से मुझे लगा कि वो जानना चाहती है कि मैं कितना बड़ा हूं, क्योंकि कुछ सेवक लोग हैं, कुछ प्रचारक ने लिखा वचन वो लोग पहले से सुनते हैं और अब मुझे जानना चाहते हैं ताकि तुलना कर सके कि क्या वरदान है, आपको पवित्र आत्मा ने क्या गिफ्ट दिया है, क्या अनुभव है बताइए। तो मैंने वहां पर कुछ नहीं बताया, बोला मैं बस सेवा करता हूं। कई बार जब हम टीवी में प्रचारकों को देखते हैं और उसके बाद कहीं ऐसे प्रचारकों को देखते हैं जिनके पीछे बहुत भीड़ जा रही है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा सेवक है, ये छोटा सेवक है। कई बार हम उस तरीके से विश्वासी को भी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कौन बड़ा सेवक कौन छोटा सेवक। बाइबल इस समस्या का समाधान बता रहा है कि ऐसा हमें नहीं सोचना है। So, यीशु मसीह इस समस्या का समाधान इस वचन में बता रहे हैं। मरकुस 9 का 35 वचन में लिखा है, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यही चीज जब आप मत्ती में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मत्ती 20 उसका 27 वचन में, जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। और मत्ती 23 उसका 11-12 में लिखा है कि जो खुद को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। परमेश्वर अपना वचन में इस समस्या का समाधान बता रहे। हम विश्वासी या सेवक भी कभी कभी अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, जब लोग तारीफ करते हैं तो समझ में नहीं आता और हम कमेंट करने लगते हैं।
कि हम भले हैं, क्यों? क्योंकि हमने तुलना किया है अपने आप को दूसरों के साथ में, और यीशु मसीह इसे पसंद नहीं करता, या पाप है। पहला गलती अधिकांश विश्वासी और सेवक को करते हैं, अपने आप को तुलना करते हैं, जबकि परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है। यहां वचन में जो सेवक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आखिर क्या है उसका मतलब? आइए हम इसे यहां पर समझने का कोशिश करेंगे। सेवक शब्द के लिए दूसरा एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, संस्कृत में दास। अगर इसको ओरिजिनल जो वर्ड है उसके अनुसार देखेंगे तो इसका मतलब है डियाकोनोस। फिर से मैं बोलता हूं, ये ओरिजिनल जो शब्द है इसको बोलते हैं डियाकोनोस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वन हु एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर ऑफ अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो उससे ऊपर कोई है और वो क्या कर रहा है, उस आज्ञा को जो उसके ऊपर वाले ने दिया है उसको वो पालन कर रहा है। ओके, अ सर्वेंट, आज के भाषा में बोलेंगे नौकर। द सर्वेंट मतलब कि राजा ने सेवक, सेवा करने वाला। दूसरे शब्दों में डीकन, और थोड़ा सा और रिफाइंड अगर इसको देखेंगे डेफिनेशन तो पास्टर। और एक आज का भाषा में बहुत प्रचलित है उसको बोलते हैं वेटर, जो होटल में आपका ऑर्डर लेने के लिए खड़ा रहता है। मैम क्या ऑर्डर है प्लीज बताइएगा, वो आपका सेवक में तुरंत तैयार है। जैसे आपने ऑर्डर दिया वो तुरंत नोट करेगा, जल्दी से जाएगा, जल्दी से लाएगा। यह है सेवक का मतलब। सेवक वो है जो सेवा करने के लिए आया है, ना कि सेवा पाने के लिए। हम और विश्वासी, हम जो विश्वासी है हमें भी परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। ये सेवक कौन है? अगर हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे बहुत संक्षेप में तो क्या है, जिसको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। ओके, सेवक वो है जो परमेश्वर का सेवा करता है। और एक बात, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है, हमने पढ़ा, जैसा प्रभु जिसको देता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक सेवक को एक लिमिट में वरदान दिया है, उनका विश्वास का परिमाण के हिसाब से जिसको जैसा दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो हम जो तुलना करते हैं हमें ऐसा नहीं करना है। अभी डिफरेंस, दुनिया में लोग सेवक या लीडर को कैसा देखते हैं और हम जो बाइबल के अनुसार देखते हैं वो क्या अंदर है, इसे हम समझेंगे। दुनिया का जो बॉस है ना वो आगे चलाने वाला है, ऑर्डर करने वाला, तुमको ये करना है, इतना टाइम तक ये काम करो, ये बॉस ही है, मतलब ऑर्डर करने वाला। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनना है, छोटा करना है। छोटा करने का यह मतलब नहीं है कि हर गलत बातों को भी मान लेना, पर इसका मतलब है नम्रता, दीनता। मैं एक उदाहरण बताऊंगा बाइबल से। यीशु मसीह को हमने देखा कि यीशु मसीह क्या करता है, वो खुद गुरु होते हुए, परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपना चेलों का पैर धोता है। पैर धोने का काम एक सेवक का है, लेकिन यीशु मसीह खुद उस सेवक का रूप धारण करता है और पैर धोता है, अपने आप को छोटा करता है। मतलब यू भी ऐसा है, जहां पर मैं सेवा करता हूं, उन दिनों की बात है जब इसी तरीके से कैंप चलता था और उतना ज्यादा पानी होता नहीं था, तब क्या हुआ, पहले जाम हो गया वहां पर भी, सेप्टिक टैंक जाम, और वहां पर भी जो परमेश्वर का वचन बांटते थे वो लोग गए नीचे, दो लोग तीन लोग मालूम नहीं, वो लोग जाकर वहां साफ किए और साफ करके उसके बाद आए, और वही लोग रिसोर्स पर्सन है परमेश्वर का वचन बांट रहे। यहां यहां तक और हां पूरा गंदा हो रहा है, जरूर कुछ पहने होंगे पर फिर भी। तो कहने का मतलब है हम जो विश्वासी है, हम जो सेवक है, हम सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमें अपने आप को नम्र करना है प्रभु के लिए, ताकि हम प्रभु का महिमा कर सके और प्रभु हमें पढ़ाए। दूसरा गलती जो कलीसिया में होता है, दूसरा गलती जो हम
हम विश्वासी और सेवक लोग करते हैं वो क्या है? वो है कलीसिया में गुटबंदी। ये गुटबंदी क्या है? एक ही कलीसिया में है, एक ही जगह आते हैं, लेकिन थोड़ा समस्या क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फलाने का फैन हूं, फॉलोअर हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं फलाने को मानता हूं। जब आप पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 4-9 मैं आपके लिए यहां पर पढ़ देता हूं जल्दी से। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहां इन वचनों में हम इस समस्या का समाधान करें। लेकिन समस्या क्या है फिर से मैं दोहरा देता हूं। कलीसिया में गुटबंदी। कभी कभी लोग बोलते हैं कि फलाने ने आकर मुझे सुसमाचार दिया और तब मेरा जीवन बदला है। और कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, आपने सुना होगा और मैंने भी महसूस किया इस बात को, ये जो पास्टर फैला उसकी वजह से उतना उन्नति नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरा पास्टर जो आया ना इसकी वजह से बहुत उन्नति हो गया। हम क्या करते हैं, कई बार इस तरीके से भी तुलना करते हैं। यहां पर कुरिन्थ का कलीसिया में भी एक तरीके से फूट है और विश्वासी तुलना कर रहे हैं। अपोलोस बहुत अच्छा प्रचार करने वाला, पौलुस जो है थोड़ा सा धीमा, धीरे धीरे बोलने वाला, लेकिन लिखने में बहुत अच्छा। लोग तुलना कर रहे हैं, कोई बोल रहा कि नहीं सबसे पहले पौलुस ने मेरे को सुसमाचार सुनाया था, मैं पौलुस का हूं। कुछ लोग बोलते नहीं, अपोलोस जब आया उसी की वजह से मेरा आत्मिक उन्नति हुआ, वही मैं उसका फॉलोअर। कुछ ऐसा हुआ जब हरियाणा में था, तो वहां पर जब सेवकाई कर रहा था प्रभु का, कुछ लोग तुलना करने लगे मुझे अपने पास्टर से। मैं आपको बता दूं मैं पास्टर नहीं हूं, इवांजेलिस्ट की अभिस्तरी आप बोल सकते हैं। सो वो लोग बोलने लगे कि जब से जॉन भी आया है हम लोग का आत्मिक उन्नति जोर रहा है, तुलना करके। तो मैं शुरू में तो कुछ नहीं बोला, पर बाद में धीरे धीरे बैठकर उसे समझाया, पर मेरे भी अभी तो आप बढ़ रहे हैं, उसका क्रेडिट मेरे पास में या मैं लेने वाला नहीं। क्योंकि इसी अगर मैं उस क्रेडिट को ले लेता हूं तो परमेश्वर का नाम छोटा हो जाता है, पाप हो जाता है। यहां समस्या क्या है? तुलना कर रहे हैं और मैं उसका फैन हूं, मैं उसका फॉलोअर हूं। अभी ऑनलाइन चर्च और बहुत जगह में यूट्यूब में चलता रहता है, कई लोग किसी और का इधर-उधर का फॉलोअर बन चुके हैं और बहुत सारा पापा फीचर भी आ गया। मैं यहां ये नहीं बोल रहा कि जो गलत प्रचार करते हैं उनको आप फॉलो करो, पर मैं ये बोलता हूं कि जो परमेश्वर का सिद्धांत के अनुसार सही बात बताते हैं, भले हो सकता है कि उतना अच्छा से नहीं बताते, लेकिन तब भी आप उनका आदर करना है। यहां पर पौलुस इस बात को बोलता है, मैं कौन हूं? मैं भी तो सेवक हूं जो भेजा गया, परमेश्वर ने भेजा है। और आप लोग मेरे द्वारा विश्वास किए, बीज बोया गया, खाद मिला और लगाने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, यहां इस पौधा को देखिए, यहां इस पौधा को लगाने वाला कोई और है। हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद ये बढ़ गया, उसके बाद उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया, बाद में क्या हुआ कोई और आदमी आया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिट्टी उट्टी किया, खाद डाला और तब फिर बढ़ने लगा, कोई और आदमी आया पानी दे दिया, ओके, और तब बढ़ने लगा। यहां परमेश्वर का सेवकाई में मिनिस्ट्री में कोई एक आदमी अपना इंटरेस्ट नहीं करता, अलग अलग लोग अपना जीवन अपना समय और अपना बहुत कुछ लगाते हैं विश्वासी का उन्नति के लिए। सो यहां पर पौलुस बोलता है, क्या बोलता है कि लगाने वाला कोई और है,
सीखने वाला कोई और है, खाद डालने वाला कोई और है, लेकिन एक सच्चाई जान लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हम लोग सिर्फ लगा सकते हैं, खाद दे सकते हैं, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम और आप जो मसीह में आज आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं, जिसका क्रेडिट पास्टर को, सेवक को नहीं जाता, इसका क्रेडिट और केवल परमेश्वर को जाता है, किसी और को नहीं जाता। सो यह बात जो बहुत सारे पापा परिचर लोग बोलते रहते हैं कि मेरे वजह से बड़े लोग, तो यह पाप है या सही नहीं है। पौलुस बोलता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। सहकर्मी मतलब हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग, को वर्कर्स ऑफ गॉड। लिखा है तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना। सो हम जो सेवक लोग हैं साथ में सेवा कर रहे हैं, इसका परमेश्वर का, और वास्तव में परमेश्वर हर एक को उसका मजदूरी जरूर देगा जैसा उसने मेहनत किया है। चाहे हम झाड़ू करने वाले क्यों ना हो, चाहे देख रेख करने वाले क्यों ना हो, चाहे वचन का प्रचार करने वाले क्यों ना हो, चाहे जो विश्वास या सेवक आता उसमें एक गिलास पानी पिलाने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर प्रतिफल देगा। इसीलिए खबर नहीं करना है, पूरा क्रेडिट परमेश्वर को देना है। तीसरा गलती जल्दी से बोलेगा खत्म करेंगे। तीसरा गलती वो क्या है, वह हमसे अलग होकर सेवा कर रहा है। ये हमारा ही छोटा था, हमारा चर्च का था, लेकिन हम अलग हो गया। यहां पर अगर कुछ नाव है उसका 40 में इस बात को पाते हैं, पढ़ता हूं। तब यूहन्ना ने उसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाल कर देखा और हम उसे मना कर रहे हैं क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं होने जाता। यीशु ने कहा, उसे उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे पूरा कह सके। ये जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है या फिर ये व्यक्ति जो चलनाई का काम कर रहा है, 12 चेलों के साथ नहीं है, ओके। और ये 12 चेले आपस में यही सोच रहे हैं कि भाई हम लोग ऑथेंटिक है, हम ही लोग है, हम ही लोग द्वारा हो सकता है कि वो सीखा होगा, यीशु का उपदेश नहीं सुना होगा, विश्वास कर लिया होगा और पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया होगा, तो काम कर रहा है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, ये हमारे साथ नहीं है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ऑथेंटिक हम ही लोग है, वो नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं। तो लोगों का अंदर, चेलों का अंदर हो सकता है कि डर आ रहा होगा कि क्या हो सकता है कि ऐसा ना हो कि लोग हमें फॉलो करना छोड़कर उस व्यक्ति को फॉलो करने लगे, हो सकता है कि उसके पास ज्यादा लोग जाने लगे। यीशु मसीह इसका समाधान चाहते थे, इस समस्या का, जो हमारी लोग है वो अपना है। और मूसा का उदाहरण भी ऐसे हम देखते हैं पुराने नियम में कि मूसा बहुत घबरा गया था, 70 लोगों को चुना और एक जगह इकट्ठा होकर सभी लोगों को परमेश्वर का आराधना करना था, लेकिन केवल 68 लोग इकट्ठा हुए और 2 लोग छावनी में तंबू में रुक गए थे और पूरा का पूरा 70 लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। तब एक व्यक्ति बताया कि वो लोग छूट गए हैं, वो लोग तंबू में ही है अपना छावनी में और वो लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो लोग साथ नहीं आए लेकिन छूट गए। और तब ऐसे में क्या हुआ, यहोशू बोलने लगा, रोको इनको, रोकिए मूसा जी, इनको रोकिए, क्यों वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं ऐसा करके। तब मूसा इस बात को बोलता है कि भला होगा कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। गिनती 11:19 में लिखा है, और यीशु ने भी कहा, उसे मना मत करो क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया है। सो मेरे प्रियो, अगर कोई इस तरीके से बढ़ता है उन्हें बढ़ने दिया जाए, परमेश्वर यही चाहता है। सो आज हमने ये सीखा कि हम विश्वास में और सेवक लोग 3 गलती करते हैं, कौन बड़ा सेवक है कौन छोटा सेवक है इस बात का तुलना करते हैं। सो हमें इस बात का तुलना करना बंद करना है। लेकिन अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार नहीं, तो तब सावधान रहना चाहिए, गुणबंदी नहीं होना चाहिए। सब हम सब मसीह में बराबर है, और जब दूसरे सेवा कर रहे हैं अपना वरदान का इस्तेमाल करके उन्हें
वे सेवा कर सकें।